मॉर्निंग सर, मैं मिथिलेश चौधरी, स्पीकर ऑफ संध्या प्लेक्स रूम। आपको आए दिन स्टिप्सिल एक्सपेंशन ज्वाइंट के बारे में काफी कंफ्यूजन होता है कि आपको एक्चुअल में लेंथ कितना चाहिए। तो हम लेंथ की और ज्वाइंट की बात करने जा रहे हैं। जैसे आप अगर कॉन्ट्रैक्टर हो या कंसल्टेंट हो, कोई भी कंपनी का, कंस्ट्रक्शन कंपनी का अगर आप कंसल्टेंट हो या वहां का सिविल इंजीनियर हो या परचेज देखते हो, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो ब्रिज, जो आप या तो फ्लाईओवर है, अगर फ्लाईओवर की बात करते हैं, जैसे आपका फ्लाईओवर जो है कितना मीटर लेंथ की है। अगर ये आपको फ्लाईओवर सपोज मान लेते हैं कि फ्लाईओवर है, तो कितने मीटर उस फ्लाईओवर की लेंथ है और उसमें लगने वाले कितने ज्वाइंट है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप मानते हो कि एक ज्वाइंट ये है, दो, तीन, चार, ऐसा आपका ज्वाइंट रहता है स्टिप्सिल एक्सपेंशन ज्वाइंट का। ज्वाइंट का जो लेंथ जो होता है डिपेंड ऑफ द ब्रिज का जो है, टू वे है, फोर वे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका फ्लाईओवर जितने भी ब्रिजेज बनते हैं वो करीब 7.5 मीटर के ही बनते हैं, ताकि दो गाड़ियां एक लेफ्ट से एक राइट से आना जाना लगा रहता है। अब सवाल यह है कि आपको सपोज मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4 ब्रिज में लेंथ के हिसाब से, लोड के हिसाब से, पियर के हिसाब से नंबर ऑफ ज्वाइंट लगाए जाते हैं। अगर सपोज मान लीजिए आपका 4 ज्वाइंट है तो 7.5 आपका विड्थ है, तो 7.5 × 4 तो टोटल आपका रिक्वायरमेंट कितना हो गया टोटल रनिंग मीटर? 30 रनिंग मीटर आपको स्टिप्सिल एक्सपेंशन ज्वाइंट की जरूरत है। तो आप बोलते हो कि हमको 30 रनिंग मीटर चाहिए, तो हरेक मार्केटिंग वाला पर्सन को ये मालूम करना चाहिए कि सर आपका टोटल 30 रनिंग मीटर है, ओके, तो आपका ईच ज्वाइंट कितनी है। वो बोलेगा हमारा जो ब्रिज का विड्थ है 7.5 मीटर है, अंडरस्टैंड, 7.5 मीटर है। तो 7.5 मीटर है तो 7.5 मीटर ये नॉट पॉसिबल एट द टाइम ऑन द एनी ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो भी हमारे पास अवेलेबल ट्रांसपोर्ट रहते हैं 20 फीट के रहते हैं, 20 फीट का मतलब 6 मीटर। तो हमको क्या करना होगा, जैसे 7.5 × 4 तो आपको 30 मीटर होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ब्रेकअप में जाना पड़ेगा 7.5 × 2 डिवाइडेड बाय 2 3.75 मीटर का आपको एक नंबर से 30 मीटर के लिए आपको बनाना होता है, अंडरस्टैंड। तो 3.75 मीटर का एक ज्वाइंट बनाओगे तो आपको 30 मीटर हो जाएगा। और ये जो है 3.75 मीटर को ले जाकर के यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, साइड पर ले जाके ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट करने के बाद ऊपर का जो है टेम्पररी जो वेल्डिंग रहता है, दोनों को गैप को मेंटेन करने के लिए वहां पर रिमूव कर देते हैं ग्राइंडिंग मशीन से। रिमूव करने के बाद जो उसके अंदर जो न्यूप्रीन रबर का स्ट्रिप रहता है उसको हम इंसर्ट करते हैं। तो ये प्रैक्टिकली आपको ध्यान देना होता है कि सामने वाले की जो है, अब ये हमारा 7.5 मीटर की बात हो गई। जैसे कि हम हाईवे पर जाते हैं, जैसे कि हाईवे जो होता है नेशनल हाईवे की बात करते हैं एनएच का, तो एनएच की बात करते हैं तो एनएच में क्या होता है आपका जो है फोर वे होता है, कितना होता है, एक बार में 4 गाड़ियां पास करती है, तो उसको हम लोग फोर वे के नाम से बोलते हैं। तो उसका जो चौड़ाई काफी होती है, उसमें फोर वे होता है, बीच में ऐसा आपका ब्रेकर है और दोनों तरफ से रोड रहता है, एक बार में 4 गाड़ियां क्रॉस करती है।
इसको फोरवे के नाम से जानने जाते हैं। इसके अलावा भी दोनों साइड से ही आपको जो वॉक करने के लिए आपको फुटपाथ दिया हुआ रहता है, तो उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक कम से कम 12 मीटर रहता है, आपका 12 मीटर का रहता है। अब सवाल है कि 12 मीटर भी आपको ट्रांसपोर्ट में भेजना बोले तो पॉसिबल नहीं है, तो 12 मीटर को हम क्या करते हैं, या तो हम 3 मीटर का, अगर आपको मान लीजिए कि इसको लगने वाला है कम से कम 10 ज्वाइंट लगना है उस ब्रिज को में, 10 ज्वाइंट लगना है तो 12 × 10 बोले तो 120 मीटर हो गया, 12 × 10 बोले तो 120 मीटर हो गया। तो 120 मीटर आपको बोलेगा कि आप मेरा जो रिक्वायरमेंट है 120 मीटर है, कितना है 120 मीटर। तो 120 मीटर में फिर आपको कस्टमर से मालूम करना चाहिए कि सर हम आप जो 12 मीटर आपने पूछा ज्वाइंट जो विड्थ जो है ब्रिज का 12 मीटर से, तो इसको ब्रेकअप कितना देना चाहिए सर, आपको ब्रेकअप कितना दिए तो आपको इजी रहता। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं 12 × 4 करते हैं 48, तो 3 × 4 12 हो गया, 4 × 3 मीटर हो गया। तो आपको मालूम करना चाहिए कि वहां पे या तो दो ऑप्शन है सर, 3.4 आप 3 मीटर का 4 ज्वाइंट ले लीजिए या 4 मीटर का 3 ज्वाइंट ले लीजिए, ताकि हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होगा और आपको ब्रिज पर वहां पे हैंडलिंग करने में आपको क्रेन वगैरह और उसको प्रॉपर तरीके से वहां पर ले जाने के बाद उसको वेल्डिंग करके आप जो टेम्पररी जो गैप के लिए जो टेम्पररी वेल्डिंग किया जाता है उसको निकाल करके आप इजी लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं कभी कभी ब्रिज का जो है चौड़ाई जो होती है 15 मीटर भी होती है, तो फिर सेम एप्लीकेशन वहां पर भी यही लागू होगा कि जैसे मान लीजिए कि 15 मीटर है तो 15 मीटर डिवाइडेड बाई अगर हम 5 करते हैं तो 3 × 5 मीटर अब हो जाएगा। अगर उसके अपोजिट करते हैं अगर 4 ज्वाइन करते हैं तो 6.75। तो आपने देखा कि सामने वाले को आपको 15 मीटर का अगर मान लीजिए 15 मीटर विड्थ है ब्रिज का, 10 ज्वाइंट चाहिए तो 150 मीटर उसको चाहिए, तो 150 मीटर में हमको क्या 15 मीटर में हमको क्या करना पड़ता, अगर 3 मीटर का देते हैं तो कितना देर पर 5 ज्वाइंट देना पड़ेगा, अगर हम 4 ज्वाइंट देते हैं तो कितना हो जाएगा 15 × 4 15 डिवाइडेड बाई 4 3.75 मीटर का 4 ज्वाइंट देना चाहिए। तो आप कोई बहुत सारा कस्टमर 3 मीटर का 5 ज्वाइंट एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कस्टमर 3.75 का 4 ज्वाइंट एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको भी और हमको भी दोनों को काफी ऑर्डर के टाइम में बिफोर मैन्युफैक्चरिंग दोनों को ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, ये नंबर ज्वाइंट क्लियर कर लेना चाहिए ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और हमको भी दिक्कत ना हो। तो आपके लिए संध्या एंटरप्राइजेज का ये वीडियो कैसे लगा, अगर आपको पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सारे कंस्ट्रक्शन कंपनियों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।